अभी आपको बताएं कि शाहिद खाकान अब्बासी के बेटे को दुबई जाने से रोक दिया गया है। अब्दुल्ला खाकान को एफआईए इमिग्रेशन ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर EK613 से ऑफलोड किया। अब्दुल्ला खाकान का नाम नैब स्टॉप लिस्ट में शामिल था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के बेटे को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दुबई जाते हुए रोक दिया गया। अब्दुल्ला खाकान अब्बासी को एफआईए इमिग्रेशन ने ऑफलोड किया। वो परवाज EK613 से दुबई जा रहे थे। दौरान इमिग्रेशन साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बेटे का नाम स्टॉप लिस्ट में पाया गया। अब्दुल्ला खाकान अब्बासी का नाम नैब की स्टॉप लिस्ट होने की वजह से उन्हें ऑफलोड किया गया। वाज़ेह रहे कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने LNG केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस में कहा था कि शाहिद खाकान अब्बासी के अकाउंट में 560 मिलियन की ट्रांजैक्शंस गैर कानूनी हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने 560 मिलियन की रकम वापस अपने बेटे के अकाउंट में मुंतकिल की। अब्दुल्ला खाकान 2013 से 2019 के माबैन हासिल रकूम पर वजाहत न दे सके।